वेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। तो कैसे हो यार? आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी इंसान को हम कैसे पहचाने कि वो ट्रस्ट के लायक है कि नहीं, वो भरोसा के लायक है कि नहीं। देखो यार, ये क्वेश्चन ना हर इंसान के ब्रेन में, हर इंसान के माइंड में आता है जब वो किसी भी पर्सन से पहली बार मिलता है, जब उसका पहली बार किसी पर्सन से मुलाकात होता है, तो उसके बारे में वो मन ही मन में ये सोचता है कि क्या ये इंसान दोस्ती के लायक है कि नहीं, क्या इस इंसान से हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं कि नहीं, क्या इस इंसान पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि फ्यूचर में ये इंसान कहीं ऐसा तो नहीं है कि धोखा दे दे, या इस इंसान के साथ अगर हम कोई काम करते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी और तरीके का कोई रिश्ता बनाते हैं तो ये भरोसेमंद है कि नहीं, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि ट्रस्ट इशू नंबर वन पे आता है किसी भी इंसान से आप जब मिलोगे तो पहली बार। तो देखो यार, आज हम आपको 3 टिप्स ऐसा दूंगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करके, जिसको आप यूज करके किसी भी इंसान के बारे में आप कन्फर्म हो सकते हो कि वो इंसान सही है या गलत है, वो इंसान अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। नंबर वन, कि उस इंसान का बिहेवियर, व्यवहार उसके माँ बाप के साथ कैसा है। यानी कि जिस भी इंसान को आप चेक करना चाहते हो कि हाँ ये भरोसे के लायक है कि नहीं, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, या इस पर्सन के साथ हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं कि नहीं, या इस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कोई रिश्ता बना सकते हैं, तो उस इंसान का बिहेवियर देखो कि उसका माँ बाप के साथ कैसा है। जिस भी पर्सन का बिहेवियर अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा है, वो अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत वैल्यू देता है, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता है, केयर करता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट देता है और हमेशा प्यार से बात करता है, उनका देख रेख बहुत ना मतलब ध्यान से, अटेंशन से करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को समझता है, उनको बहुत प्यार करता है, तो ऐसा इंसान कभी गलत नहीं होगा। वो इंसान पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो इंसान आपको धोखा नहीं देगा, वो इंसान खराब नहीं होगा, इतना तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उस पर। दूसरा नंबर, कि वो इंसान अपने से गरीब इंसान, जो गरीब लोग होते हैं ना, उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसको वो कैसे ट्रीट करता है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक लोग जो गरीब होते हैं, जो बेचारा बेसहारा है ना, उनको उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, कपड़े का पहनने का पैसा नहीं है, वैसे लोगों से वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, मतलब उनको वैल्यू देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनकी हेल्प करेंगे हो सकता है तो, है ना, उनकी मदद कर देंगे, उनको कुछ खाने के लिए दे देंगे। तो अगर ये इंसान गरीब लोगों को वैल्यू देता है, उनको कुछ खिला पिला देता है, उनकी मदद करता है, तो ये इंसान अच्छा है, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। और अगर ये गरीब लोगों को बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करता है, उनको डांट के भगा देता है, उनको दिखते ही अजीब फेस बनाने लगेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, कुछ लोग गरीब लोग को देखेंगे तो उनको डांट के भगा देंगे, हो सकता है कुछ लोग मार भी देते हैं, कुछ गाली गलौज भी कर देते हैं, अगर ऐसा ये इंसान है तो इससे दूर रहो, जितना हो सके आप इससे दूर रहो, इसके नज़दीक मत जाना, आपको उतना ही अच्छा होगा, कभी भी ये इंसान पलट सकता है। और नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये इंसान जो बोलता है वो कितना करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखो यार, कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, आपसे प्रॉमिस कुछ करेंगे, आपसे वादा कुछ करेंगे, और जब करने का टाइम आएगा सीधे मुकर जाएंगे, सीधे बदल जाएंगे, यानी कि अपने बात पे नहीं टिके होते हैं, इनके बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर ये इंसान अगर ऐसा है कि अपने बात को बोलने के बाद उसको पूरा नहीं करता, उसे मुकर जाता है, उसे बदल जाता है, या जो भी कुछ करने के लिए प्रॉमिस करता है उसको नहीं पूरा, मतलब कि जो कुछ भी वो बोल रहा है उसको पूरा नहीं कर रहा है, उस बात से सीधे मुकर जा रहा है, तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहना, क्योंकि इनका कभी पता नहीं है आपको आज कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है आपसे पहली बार मिले हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोल दिए, और जब करने के टाइम आए पूरे के पूरे मुकर जाएंगे। तो ऐसे लोगों से ना तो फ्रेंडशिप रखना, दोस्ती मत रखना, ना ही इनके साथ कोई रिश्ता बनाना, ना रिलेशनशिप में जाना, ना ऐसे लोगों से किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट मत रखना। और अगर वो इंसान जो बोलता है वो करता है, जो भी प्रॉमिस करता है उसको निभाता है, तो ये इंसान अच्छे होते हैं, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको यूज़ करके आप किसी भी इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ वो भरोसे के लायक है या नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप में, और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना, और हाँ अपना ख्याल रखना।